मैं डॉक्टर बी दास, सर्जन पीलीभीत, आप सभी को पीलीभीत वासियों एवं समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली व गंगा स्नान के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग सभी अपना त्यौहार बहुत अच्छी प्रकार से मनाएं तथा ध्यान भी ये भी रखें कि कोरोना का समय चल रहा है और इस समय सभी लोग दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, दूरी बनाकर रखें। तथा मैं ये भी सबसे अनुरोध करता हूं कि आगामी आने वाले चुनाव में सभी लोग अपना कीमती वोट उचित कैंडिडेट को अवश्य दें। सभी क्षेत्रवासी व प्रदेशवासियों को धनतेरस व दीपावली और भैया दूज और गंगा स्नान जैसे पावन पर्व सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। राज वर्मा, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। साथियों, सभी क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासी और देशवासियों के लिए धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गंगा स्नान जैसे पावन पर्वों की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षण सूची का विशेष अभियान नवंबर के महीने में चलाया जा रहा है, उसमें जिन जिन लोगों के वोट छूट गए हैं वो सभी अपने वोट जरूर बनवाएं और लोकतंत्र के महापर्व 2022 के विधानसभा के चुनाव में सभी लोग मतदान भी अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं शुएब खान, 127 विधानसभा प्रत्याशी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। आप सभी देश व प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, गंगा स्नान जैसे पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को, सभी रुड़की वासियों को विनय विशाल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की, भाई दूज की। ईश्वर करे इस बार सभी प्रदेशवासियों के लिए, सभी नगरवासियों के लिए यह त्यौहार खुशियों भरा हो, सुख भरा हो। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल आप अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे, साथ में आपके माध्यम से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा होगा, डेंगू इस समय काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले रहा है। उसके लिए बचाव अति आवश्यक है। घर के आसपास सफाई रखें, कूड़ा ना जमा होने दें, मच्छर मार दवा का छिड़काव करें, वह हल्का सा बुखार आने पर ही अपनी जाँच तुरंत करें, वह डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसमें प्रदेश सरकार की द्वारा भी योजना चलाई जा रही है, वह अटल आयुष्मान योजना भी चल रही है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं है तो अटल आयुष्मान योजना में भी, विनय विशाल अस्पताल में भी आके अपना उपचार ले सकता है। दीपावली सभी धर्म के लोग सुख शांति से मनाए, भाईचारे से मनाए। सभी बड़े छोटे भाइयों को, बहनों को नमस्कार और धन्यवाद। दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अच्छाई से बुराई की ओर, अंधेरे से रोशनी की ओर हम लोग जाएंगे। दिवाली हमारा त्यौहार है, दिवाली लोग हर्षोल्लास से मनाएं, ग्रीन दिवाली मनाएं और सबसे प्रेम करें, सबकी सेवा करें। यही संदेश देना चाहूँगा कि दिवाली पे संकल्प लें कि हम लोग अच्छा काम करेंगे और देश के हित में सोचेंगे, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत। दीपावली पे हम सबसे पहले पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सभी को एक सलाह देते हैं कि कोई भी पटाखे ना चलाए और कोई नशाखोरी ना करे, शांतिपूर्वक ये अच्छा मतलब पूरे भारतवर्ष में बड़ी शांतिपूर्वक ये पर्व मनाया जाए। मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से हूँ और अभी मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ और दीपावली की सभी पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और दीपावली पर जो भी आप अपना दीपक जला करके अपनी दिवाली मनाएं, यही मेरी आपसे सबसे हार्दिक शुभकामना है। पूरा पानी जैसे रूटीन में मिलता है सुबह शाम, वैसे मिलेगा और लाइट अच्छी रही तो पानी कट नहीं होगा, पानी कंटिन्यू मिलेगा। दीपावली पर क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि भाई सभी लोग, सभी हमारे उपभोक्ता हैं, जितने भी हमारे जिले के हैं, सब लोग वह खुशहाली से दीपावली बढ़िया से मनाएं और हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएँ होंगी। नमस्कार, मैं रुचिन यादव, PM सहारनपुर। मैं अपनी और ऑफिस की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
मेरी आप लोगों से यही अपेक्षा है कि इस दीपावली के पर्व पर पटाखे ना छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं, जिससे कि एनवायरनमेंट पर पॉल्यूशन का इफेक्ट कम पड़े। सभी देशवासियों को बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड औरंगाबाद हरिद्वार के अध्यक्ष अश्विनी कुमार और सचिव प्रवीण कुमार की ओर से दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों से अपील है कि भाईचारे के इस पर्व को सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मिलजुल कर त्योहार मनाए। दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पथरी हरिद्वार के अध्यक्ष महावीर सिंह रावत और सचिव प्रताप सिंह की ओर से दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों के इस पर्व को सभी देशवासी मिलजुल कर मनाएं। सभी देशवासियों को बहुउद्देश्य जमालपुर कला किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड हरिद्वार के अध्यक्ष अनिल कुमार और सचिव विश्वनाथ की ओर से दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रदेश और देशवासियों को बहुउद्देश्य किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड भाद्राबाद हरिद्वार की ओर से दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों से अपील है कि भाईचारे के इस पर्व को सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनौर की ओर से सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, बैंक में आने वाले सभी ग्राहकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए हर समय तत्पर रहता है। सभी देश प्रदेश व भोजपुर वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का त्यौहार है। सभी लोग आपस में मिलजुल कर त्यौहार को मनाएं। केवी फिलिंग स्टेशन बेवर रोड निकट सेंट्रल जेल चौराहा फतेहगढ़, गिरिजा देवी पीजी कॉलेज सकवाई मोहम्मदाबाद फरुखाबाद, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबंध गिरिजा देवी गिरीश बाबू कोल्ड स्टोरेज जीबी ईट भट्टा कुमार ईट उद्योग की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। अजय यादव, विजय यादव, सदस्य जिला पंचायत। समस्त देश प्रदेश और जनपद वासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इन पावन त्योहारों को सभी लोग शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक मनाएं और इन त्योहारों पर, इन सभी त्योहारों पर सभी को आनंद की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, यही मेरी उनके लिए शुभकामना है। नगर पंचायत शमशाबाद फरुखाबाद, धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज के शुभ अवसर पर समस्त नगर वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नगर की जनता से अपील, जल अमूल्य है, कृपया इसे व्यर्थ ना बहाएं। पॉलिथिन का इस्तेमाल ना करें, घर से थैला लेकर निकले। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं। पालिका के समस्त देयों का भुगतान अवश्य करें। अपने अपने घरों में हुए जन्म मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों में अवश्य कराएं। सार्वजनिक सड़कों, गलियों और नालियों पर अतिक्रमण ना करें। सड़कों, गलियों, नालियों और चौराहों पर कूड़ा कचरा ना फेंकें। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले कर्मचारियों को गीला सूखा कूड़ा अलग अलग दें। आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकले व सामाजिक दूरी का अनुपालन भी करें। पालिका की संपत्ति को क्षतिग्रस्त ना करें। सार्वजनिक स्थानों पर लगी लाइटों को दिन में ना जलने दें और ऊर्जा की बचत करें। निवेदक कृष्णा देवी, अध्यक्ष नगर पंचायत शमशाबाद। आशीष कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शमशाबाद। मुनीर अहमद, प्रधान लिपिक नगर पंचायत शमशाबाद।
मैं राजेंद्र बहादुर यादव शासी अभियंता विद्युत नगरी वितरण खंड फरुखाबाद सभी जनपद वासियों को और प्रदेशवासियों को देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सबसे आम उपभोक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना एक मुफ्त समाधान योजना जो लागू की गई है 30 नवंबर तक लागू रहेगी 30 नवंबर 2021 तक। इसमें सरचार्ज अथवा ब्याज में 100% माफ है 2 किलोवाट तक के कनेक्शनों में जो संयोजन 2 किलोवाट के हैं। इसी तरह वाणिज्यिक उपभोक्ताओं में भी 1 से 2 किलोवाट तक 100% ब्याज में माफ है 2 से ऊपर के 5 किलोवाट तक 50% की ब्याज की सरचार्ज छूट दी जा रही है। अधिक से अधिक इस योजना का लाभ उठाएं और जो है जितनी जल्दी हो उसका मतलब 30 तारीख का इंतजार न करें। कहीं सर्वर प्रॉब्लम होती है कहीं कुछ होता है तो उसको मतलब पहले बिजली का भुगतान करें। ये बिजली बिल का भुगतान हमारे काउंटर पर हो सकता है। ऑनलाइन व्यवस्था भी है, ऑनलाइन अगर बिल देखें जितनी छूट दी हुई है ब्याज बिल में उतनी उसको परिलक्षित हुई केवल मूलधन ही जमा करना होगा। इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते हुए लाभ उठा लें और ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लागू की गई इस बार। फरुखाबाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय कटियार की ओर से समस्त प्रदेश और देशवासियों को दीपावली धनतेरस भाई दूज गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जेएमडी ग्रुप और चार नगर पार्ट्स की ओर से दीपावली की छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों से अपील है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस सेवा दल उत्तराखंड एवं अध्यक्ष राहुल गांधी एक्शन फोर्स की ओर से सभी प्रदेश और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों को इस प्रदेशवासियों को मेरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के इस पर्व पर आप सब लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस दीपावली के उत्सव को मनाएंगे ऐसी मेरी आशा और अपेक्षा है। एक बार पुनः सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया दो छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मेंद्र सिंह चौहान जिला महामंत्री बीजेपी किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार की ओर से सभी प्रदेश और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वासु मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक हरिद्वार के संस्थापक शशिधर मिश्रा की ओर से सभी प्रदेश और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अजय राजभर जिलाध्यक्ष स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी जनपद लखीमपुर खीरी मैं समस्त क्षेत्रवासियों को समस्त जनपदवासियों को एवं समस्त पदाधिकारियों को अपने पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को एवं ग्राम सभा के सभी सम्मानित जनतावासियों को मैं दीपावली का छठ पूजा का एवं भैया दूज का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी से आग्रह निवेदन करता हूं कि दीपावली में प्रदूषण रहित ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें और सौहार्द और भाईचारा के साथ त्यौहार को मिलजुल कर मनाएं। को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव प्रभारी चिकित्सा अधिकारी संपूर्ण नगर बोल रही हूँ। समस्त क्षेत्रवासियों को भैया दूज दिवाली धनतेरस और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं जितेश कुमार उर्फ जीतू प्रधान प्रतिनिधि मजरा पश्चिम तहसील पलिया कला ब्लॉक पलिया कला जिला लखीमपुर खीरी से। मैं सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी एवं समस्त देशवासियों को एवं समस्त कर्मचारीगण एवं अधिकारीगण मैं सभी को अपनी तरफ से धनतेरस दीपावली भाई दूज एवं छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से देता हूं। धन्यवाद। आप सभी सम्मानित प्रिय पलिया विधानसभा वासियों को मेरी और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से धनतेरस छोटी दीपावली बड़ी दीपावली एवं भैया दूज पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में मैंने पलिया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से आप सभी का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है प्रत्याशी के रूप में। आप सभी की कृपा से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मैं विधानसभा का टिकट लेकर आपके बीच आऊँगा। और मैं आपसे आज एक बात डंके की चोट पे बोलता हूँ, पलिया विधानसभा पूरे लखीमपुर जनपद में विकास कार्यों में नंबर 1 पे जानी जाएगी, यह निश्चित आप सभी लोग मान के चलिएगा। आप सभी का प्यार
और आशीर्वाद के सहयोग का आकांक्षी आपका अपना रवि गुप्ता, भाजपा नेता, 137 विधानसभा। समस्त क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाइयां। रोमी सहानी, बीजेपी विधायक, पलिया विधानसभा 137, लखीमपुर खीरी। लालकुआं विधानसभा से आम आदमी पार्टी के चंद्रशेखर पांडे, देवेंद्र सिंह कार्की, जगदीश सिंह रौतेला की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। 56 विधानसभा लालकुआं निर्दलीय प्रत्याशी कुंदन सिंह मेहता की तरफ से दीपावली, धनतेरस, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कार्यालय नगर पंचायत देवा बाराबंकी, स्वच्छ देवा दीपावली के शुभ अवसर पर नगर निकाय, नगर निवासियों एवं जनपद वासियों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करती है। निकाय वासियों से निम्नलिखित अपील करती है। नागरिकों से अपेक्षाएं, नगर में चल रहे सफाई अभियान में नगर पंचायत देवा का सहयोग करें। सफाई के बाद सड़कों पर कूड़ा ना फेंकें। अपने घर के कूड़े को डस्टबिन में रखें तथा डोर टू डोर कलेक्शन वाले सफाई मित्र को दें। अपने जानवरों को खुला न छोड़ें तथा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर न बांधें। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने हेतु अपने घर पर शौचालयों का निर्माण कराएं। आवश्यक होने पे ही घरों से बाहर निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने की दृष्टि से ज्यादा वृक्षारोपण करें। प्रदीप कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत देवा बाराबंकी। समस्त सदस्यगण, नगर पंचायत देवा बाराबंकी, साहिबे आलम वारसी, अध्यक्ष नगर पंचायत देवा बाराबंकी। राणा विधानसभा अध्यक्ष आरएलडी बुढ़ाना, सभी जनपद वासियों को एवं यूपी वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी तरफ से सभी भाइयों से एक गुजारिश है कि कोई भी भाई अधिकतर पटाखों का इस्तेमाल ना करें, जिससे जिससे प्राकृतिक प्रदूषित होती है। इस पर बैन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप इसका बहुत ही कम इस्तेमाल करें, जिससे जलवायु परिवर्तन पर कोई ऐसा दूषित प्रभाव ना पड़े। मैं सलीम चौधरी, बुढ़ाना विधानसभा प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी, आप सभी क्षेत्रवासियों को व ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी के लिए दीपावली मंगलमय हो और आप सभी से अपील करता हूं कि आप सभी इस पवित्र त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। आप सभी देशवासियों को आम आदमी पार्टी और शामली प्रभारी प्रत्याशी बिजेंद्र मलिक की ओर से दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभारी प्रत्याशी शामली विधानसभा 10। बहराइच जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अजीत प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख, हुजूरपुर, बहराइच।